अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए तो बहुत निंदा करने वाली बात है, लेकिन उनका कहना अगर बिहार यूपी के लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं बिहार और यूपी का भी सम्मान कर, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है बिहारियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, साउथ से खबर निकल के आ रही है, दक्षिण भारत से डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने बिहारियों को लेकर अपशब्द कहे हैं। ये कहा है कि बिहारी सिर्फ अन्य राज्यों में शौचालय साफ करने, नाला साफ करने जाते हैं। बिहारियों की औकात पर जब सवाल खड़े किए हैं दयानिधि मारन ने, डीएमके के सांसद हैं और डीएमके पार्टी पर आप तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि वो समाजवादियों की पार्टी रही है, लेकिन इस तरह की बात अगर वो करेंगे तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहारियों के सम्मान से समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे, क्या कह रहे थे जरा सुनिए। जाहिर सी बात, तो एक पॉलिसी आती है, लोग तो बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं ताकि लोगों की तरक्की हो, राज्य की तरक्की हो, और जो अपॉर्चुनिटी जो है केवल बाहर ही ना मिले, देश में राज्य में मिले, इसके लिए हम लोग सब लोग हमारी सरकार नीतीश के नेतृत्व में हर दिशा में हर एक क्षेत्र में हम लोग लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे काफी फायदा होगा। अब आप सोचिए जो खेल पॉलिसी हम लोगों ने लाया, अब उसमें से जो लोग मेडल लाए हैं उनको अब नौकरियां मिल रही है, वीडियो लेवल पे मिल रहा है, डीएसपी लेवल पे है, इंस्पेक्टर लेवल पे है, संघीय अधिकारी बन रहे हैं, तो इस तरह से तो लोगों को फायदा हुआ ही। पॉलिसी भी आएगी तो बहुत लोगों को फायदा होगा। इसके बाद आईटी पॉलिसी है आपका, ये सारे टूरिज्म पॉलिसी जो है ये सारे, तो आप लोगों का सवाल है कि भाई जो तमिलनाडु के जो नेता ने जो बात कही, पहली बात तो जो करुणानिधि जी की जो पार्टी है डीएमके पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है, अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए तो बहुत निंदा करने वाली बात है, इससे हम लोग सहमत नहीं। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं, पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं, अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों की, और ये बात जो है लोगों को समझना चाहिए। लेकिन इस तरह का अगर बयान आया है तो इसकी हम निंदा करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि बिहार के लोग आकर के नाला साफ कर रहे हैं या कुछ भी साफ कर रहे हैं, अगर ये बात अगर वो बोलते कि कुछ विशेष जाति के लोग ही नाला साफ कर रहे हैं तो एक बात होती कि भाई एक विशेष जाति के लोग ही क्यों नाला साफ कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना अगर बिहार यूपी के लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है, इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं, और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को चाहे कोई दल में हो बचना चाहिए। ये देश एक देश है, एक देश है, हर एक प्रांत के लिए हम बिहार के लोग दूसरे राज्यों के लोगों के सम्मान करें, और हम अपेक्षा भी करते हैं कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं बिहार और यूपी का भी सम्मान करें, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाना है, राज्य युवा महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे थे जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वहां पर वो भी आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिखा चुके हैं। डीएसपी इंस्पेक्टर लेवल की नौकरी सीधे मिलेगी, अगर बिहार के युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत के लाते हैं तो। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, धन्यवाद।